हेलो फ्रेंड्स, मु नरसिंह, मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपन समस्तंकु स्वागत जनाउछि। आज आमे ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा जूनियर टीचर स्कीमेटिक रिक्रूटमेंट 2023 बा जेटी एग्जाम 2023 पई आमे डिस्कशन करिबा किछि सीडीपी क्वेश्चन। ये होछि सीडीपी क्लास नंबर 1 जहाँकि आप सिलेबस रही चाइल्ड डेवलपमेंट लर्निंग असेसमेंट रही। तो से सिलेबस अनुजाई आम क्लास आरंभ कले। आज आम प्रथम क्लास सीडीपी रो एम डिस्कसन करवा टोटल 30 क्वेश्चन। आप चाहिए आउट ऑफ 30 के स्कोर रखुं कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जनई पारे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आम स्टार्ट करवा पियाजेट ता सहित आम मोटिवेशन असेसमेंट टेस्ट रिगार्डिंग आम डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिव हिस्ट सच एज जीन पियाजेट एंड लेव वाइगोर्स्की व्यू लर्निंग एज। से कहे जे कंस्ट्रक्टिविस्ट माने गठनवादी चिंताधारा जीन पियाजेट रही आउ लेव वाइगोर्स्की ए दुजर चिंताधारा कंस्ट्रक्टिविस्ट बा कंस्ट्रक्टिव विजन उपरे एमानकर काम अटे। तो एमानक व्यू अनुजाई लर्निंगटा कौ प्रकार से पचारिछि लर्निंगटा कौ प्रकार बोली से पचारिछि। तो चारिटा ऑप्शन रही एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कंडीशन ऑफ रेस्पोंसेस, पेसिव रिपीटेटिव प्रोसेस ना प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो देखु यहाँ आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट रो मत हूँ एक्टिव पेसिव के नुह कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बा कंस्ट्रक्टिविज्म दे थो। तो एक्टिव आपण मैंने ऑप्शन रे अच्छे से टिक करेंगे। पेसिव के हेनी कंडीशन ऑफ रेस्पॉन्स नुह एक्विजिशन नुह। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द कंटेस्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय जीन पियाजेट। से कहे जे आमर जो जीन पियाजेट अच्छा जड़े साइकोलॉजिस्ट बा से साइकोलॉजिस्ट थिले। तो तांको अनुजाई जीन पियाजेट को अनुजाई जो आमर लैंग्वेज डेवलपमेंट रही से पियाजेट को एरिया को से अंडर एस्टिमेट करते मैंने से अणदेखा करते कौन करते ना अणदेखा करते कौ एरिया को से पचारि हेरेडिटी, सोशल इंटरेक्शन, इगोसेंट्रिक स्पीच, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड। तो ये आमर देखो जीन पियाजेट आमर एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड एक्टिव रहिबो कंस्ट्रक्शन रे चाइल्ड एटा उपरे से फोकस करथिले। तापरे इगोसेंट्रिक स्पीच उपरे से फोकस करथिले आउ हेरेडिटी उपरे फोकस करथिले। किंतु सोशल इंटरेक्शन उपरे अंडर एस्टिमेट करथिले कि पियाजेट आउ या पर फोकस करथिले कि ना आमर अधिक फोकस करथिले कि वाइगोर्स्की या पर फोकस करथिले वाइगोर्स्की आउ अंडर एस्टिमेट कौटा करते ना सोशल इंटरेक्शन को अंडर एस्टिमेट करते अणदेखा करते किए पियाजेट। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पियाजेट्स फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑन। से कहे पियाजेट आमर जो जिन पियाजेट थे से तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट चारिटा स्टेज देखते सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चारिटा स्टेज देते। से कहते फर्स्ट स्टेज रे आमर का सहित क्या कन्क्वेस्ट करते मैंने कौटा उपरे फर्स्ट स्टेजरा विजय लाभ कर ऑब्जेक्ट, रीजनिंग, सिंबल ना ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ऑल ऑफ द अबव होबनी कहीं रीजनिंग होगा आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा रीजनिंग आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ए दुटा वार्ड शुणुंट। तो आप एगुड़ा के आसुच्छा कौ स्टेज ना आपर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आसुच्छ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज आम रही जीन पियाजेट लास्ट स्टेज बा फाइनल स्टेज हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से स्टेज आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रीजनिंग एसब आसुच्छ। तो यहाँ भी हेनी अल अफ दि हेनी कहीं यहाँ तो कटिगला तो यहाँ भी हेनी। तो आप कौन हो ऑब्जेक्ट परमानेंस उपरे कन्क्वेस्ट रही ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू पियाजेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। से कहे पियाजेट अनुजाई कौ पेयरटा आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गोटे पिलार कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा गोटे शिशुर बौद्धिक विकास अत्यावश्यक कौ जोड़ीटा से पचारि पियाजेट अनुजाई गोटे पिलार बौद्धिक विकास या भितर कौ जोड़ीटा अत्यावश्यक अटे अत्यावश्यक अटे तो एसेंशियल अटे से पचारि। तो आसिमिलेशन, जेडपीटी माने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रही जेडपीटी ना आपर एकोमोडेशन एंड स्काफोल्डिंग ना आईक्यू एंड क्रिएटिविटी ना आसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन।
आमर आराम से दे पारे आप जिन पिज एंड कौन हम ना आसिमिलेसन एंड आकोमोडेसन उपरे ए दुटा हूँ आमर गोटे पिलार बौद्धिक विकास अत्यंत आवश्यक अटे। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर आसिमिलेसन एंड आकोमोडेसन। स्काफोल्डिंग तो दे नाम पीएचडी ये तो आम भूल यहाँ मारानी आउ जेड पी डी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट सेटा भी से देना आईक्यू भी ना तो आसिमिलेशन आसिमिलेशन एकोमोडेशन स्कीमा युवाक पीएचडी देखते युवाक थी आप मारे ठीक तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर आसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल प्रोसेस इज द लिस्ट से कौन या भितर कौन आमर मानसिक ऑपरेशन टा कम माने आम बुद्धि कम खटौं ऑब्जर्वेशन रे ना इमिटेशन रे ना इंक्वायरी ना क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कौन वर्गीकरण सो अलग अलग करवा सेपरेट करवा इंक्वायरी मैंने आम किसी पूछताछ करवा आमको जहाँ अजा अच्छी इमिटेशन मैंने अनुकरण करवा जड़े कर जस्ट फॉलो करवा से जमी करके देखिक आम करवा ऑब्जर्वेशन मैंने आम निरीक्षण करवा गोटे जिनस को आम ऑब्जर्व करवा जिनस भलसे देखा से ऑब्जर्वेशन कह जाए तो कौटे मेंटल प्रोसेस बहुत कम खर्च हो तो करेक्ट आंसर जीव इमिटेशन इमिटेशन आम बुद्धि खटा दरकार नहीं जड़े डेउे एमती डेउे तो देखा आमर माने जो अनुकरण करवा से जमी कर नकल करवा तो इमिटेशन रे मेंटल प्रोसेस मान आम चिंता करार शक्ति बहुत कम खर्च होची मेंटल ऑपरेशन बहुत कम होची इमिटेशन रे। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल डेवलपमेंट अकर एट ए रैपिड पेस से कौन कौ आमर जो कौ स्टेज रे से कौन कौ स्टेज रे आमर फिजिकल ग्रोथ टा आ डेवलपमेंटा रैपिड रेस रे माने फटाफट फटाफट आमर हो माने खूब शीघ्र फटाफट आमर ग्रोथ टा हो फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट आमर कौ स्टेज रे हो पचार तो चार ऑप्शन रही इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड तो कौ स्टेज रे तो आपन जानते फिजिकल ग्रोथ आम फटाफट कौ स्टेज रोच इन्फेंसी स्टेज रोच आउ इयरली चाइल्डहुड जदि इन्फेंसी ओनली दे तो इन्फेंसी मारे ये दुटा जाक इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड तो ऑप्शन नंबर ए हम आम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रही द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी तो आमर आर टी उपर आम सिलेबस रही आर टी उपर बहुत गुड़ा क्वेश्चन मुझे एडिटिंग कर रखी नेक्स्ट वीडियो आम डिस्कशन करवा तो देख तार करिकुलम बहुत गुड़ा क्वेश्चन आम रखी नेक्स्ट आम सब क्वेश्चन मिक्सअप करके आम क्लास करवा तो देखो से कही आमर राइट टू फ्री राइट द राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आमर जो आर टी एक्ट 2009 आसा तो स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड भी लर्निंगटा कौ भाया उचित से पचारि तो रेस्ट्रिक्ट टू को स्कॉलरशिप सब्जेक्ट को स्कॉलरशिप सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्ट करवा यहाँ पर ठीक नुह केयरफुली मॉनिटर बाय फ्रीक्वेंट टेस्ट तापर देखिए थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग देकी तो ये आम कौटा करेक्ट आंसर हो थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर माने गोटे शिशु सहित सांग भाया मैनर करके सहित एक्टिविटी करवा पढ़ापढ़ी करवा सब बेटर हे तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सेक्शन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 डील्स विथ ए प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्सन तो से कौ सेक्शन से पचारि आमर जो आर टी आसा आर टी एक्ट राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर सी एफ सी जो कौन 2009 आसाला से डील विथ प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग प्रोहिबिशन निषेध होल्डिंग ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्सन को किए निषेध कर कौ सेक्शन पचारि तो आमर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर 16 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो आर सी एफ सी आसाला से सेक्शन नंबर 16 मेनसन कर सेक्शन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन डिड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स
से कहे आमर जो 2009 आम आरटी एक्ट आम आसला तो सेटा केबे आमर लागू हला से पचारी केबे सेटा लागू हला से पचारी इम्प्लीमेंट केबे हला से पचारी तो इम्प्लीमेंट केबे हेछि एटा फर्स्ट अप्रैल 2009 2010 फर्स्ट अप्रैल 2010 एक अप्रैल 2010 रु आमर एटा लागू हला बा इम्प्लीमेंट हला ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एन असेसमेंट यूज टू एग्जिबिट ए कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क हाइलाइटिंग देयर अचीवमेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया इच डैश से कहि एमती एक असेसमेंट अच्छी जो थे पिला भल भल वर्क अचीवमेंट मैं कृति मैंने कौन कौन भल भल कर हाइलाइट कर कलेक्शन कर पिला वर्क पिला कौ भाया काम कर वर्क कलेक्शन करूँ से स्पेसिफिक एरिया देखुं कौ एरिया पिलाटा भल कम कर भल अचीवमेंट अचिव करगुड़ा हाइलाइट कर तो से गुड़ाक आम जो हूँ कौ असेसमेंट से पचार तो करेक्ट आंसर जी पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो असेसमेंट आप पोर्टफोलियो आपर असेसमेंट आ पोर्टफोलियो दुटा जाक आपर सिलेबस रही तो पोर्टफोलियो असेसमेंट ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फोर्स व्हिच वर्क्स फ्रॉम इनसाइड द इंडिविजुअल एंड रिक्वायर नो एक्सटर्नल स्टिमुलस नो एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एच डैश से कहे आमर द फोर्स व्हिच इज फ्रॉम इनसाइड माने गोटे आमको जो गोटे आमको कौन ना गोटे बल गोटे साहस आमर इंडिविजुअल माने निज व्यक्ति भितर आसुच्छे कौट बाहर कौन सी गोटे सपोर्ट ना से अंतरात्मार जहाँ कि सपोर्ट मिलूँ मोटिवेशन मिलूँ से कौन क्या पचारे तो इंडिविजुअल कही मैंने यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन जीव माने निज अंत आत्मरु आमको मोटिवेशन आसुच्छे जे मु एई थरा भलसे पढ़वी आ 24 घंटार मु 16 घंटा पाठ पढ़वी आ मु जेटी क्लियर करी माने निज को निज भावुंत निज अंतर आत्मरु आसुच्छे सेटा होछि हमरो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ बाहर के आपन को सपोर्ट करछि आपन बाबा बाबा माँ हो गले आमको टीचर हो गले कि मु आपन को गोटे एज ए फैसिलिटेटर बा एडुकेटर रूपे मु आपन को तुम भलसे 4 घंटा पढ़ एमती पढ़ सेमती पढ़ तुम भल पाठ पढ़ माने एटा मु बाहर देली बाहर सपोर्ट मिले यहाँ हूँ एक्सटर्नाल एक्सट्रेनसिक मोटेसन आजे भावु मुझर 16 घंटा पाठ पढ़ी आहत क्राक करी यहाँ हूँ निज अंतर आत्मा आसा हूँ इंट्रेनसिक मोटेसन अप्सन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑफ द चाइल्ड से कहे आम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मैंने कौन बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से कॉग्निटिव दे बेले बेले इंटेलेक्चुअल दे तो गोटे पिलार बौद्धिक विकास कौटा ता सहित इनक्लूड नुह मैंने कौटा बौद्धिक विकास सहित जड़ित नुह से पचार फॉर्मेशन ऑफ परसेप्शंस फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ग्रोथ ऑफ बॉडी प्रोपोर्शंस एंड चेंज इन ब्लड प्रेशर तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट माने आम बौद्धिक विकास माने मानसिक मेंटालिटी कौटा आम वृद्धि हो पचार तो देखो परसेप्शन हम कनसेप्ट हम लैंग्वेज हम ये तीन टाक आम इंटेलेक्चुअल माने मेंटालिटी को आमर फोकस करुच्छे मेंटालिटी सहित यहाँ जड़ित होती किंतु आम कौन देखिए ना ग्रोथ ऑफ बॉडी प्रोपोर्शंस एंड चेंज ब्लड प्रेशर तो आमर गोटे बॉडी रो ग्रोथ हम आम शरीर फिजिकाली आम गोटे बॉडी रो पार्ट आम बॉडी को ग्रोथ हम से फिजिकाली हो जाए इंटेलेक्चुअल नुह यहाँ कौन ना फिजिकाली आम डेवलपमेंट हो इंटेलेक्चुअल नुह ब्लड प्रेशर आम बढ़ला कमिला युवा आम कौन आम शरीर हूँ शारीरिक फिजिकाल हो तो युवा तो आम इंटेलेक्चुअल हेनी तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर ग्रोथ ऑफ बॉडी प्रोपोर्शंस एंड चेंजेस इन ब्लड प्रेशर इज नॉट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इट इज फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट कौटा गोटे इंटरनल फैक्टर नुहे से पचार इंटरनल फैक्टर तो एनवायरनमेंट रही परिवेश इंटेलिजेंस हेरेडिटी ग्लैंड्स तो देखु मनकर जड़े जड़कर आम राम के साम देखा तो इंटेलिजेंस
तार मेंटालिटी ता निजर से अंदर ता भितर ही रही हेरेडिटी वंशाणुक्रम वंशाणुगुण ता भितर ही रही आ ग्लांस गुड़ाक आम शरीर भितर ही रोचे तीन टा जाक इंटरनाल अटे कि एनवायरमेंट मैंने परिवेश मैंने आम जो आखपाखे रोचार आम जो परिवेश आम दादा बापा आम जो साई रोचे समाज रोचे से गुड़ाक कहजे आम चार चतुर्पाश जो रही है परिवेश कहुए तो यहाँ तो बाहर हो गला ना परिवेशटा ये तीन टा जाक आम अंडर आम भितर ही अच्छी तो आम कौटा इंटरनल फैक्टर कौटा नुह तो एनवायरमेंट बा परिवेश आम इंटरनल फैक्टर नुहे ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करिकुलम बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ तो आम करिकुलम उपरे करिकुलम कोर करिकुलम आम सिलेबस रही करिकुलम रही कोर करिकुलम रही सिलेबस सेटा मध्ये आम कवर करिबा नेक्स्ट वीडियो रे। तो करिकुलम बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ से कहि करिकुलम बेसिकली आम रिफ्लेक्ट करुच माने प्रतिफलन करुच कल्चर कौन कल्चर ऑफ कौन स्कूल एरिया होम ना सोसाइटी तो करेक्ट आंसर जीव कल्चर ऑफ सोसाइटी कौन जीव ना करेक्ट आंसर जीव आपर कल्चर ऑफ सोसाइटी ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय से कहते करिकुलम प्रेजेंट कर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ये स्टेटमेंटा किए देखते यही स्टेटमेंट को देखते किए स्मिथ देखते स्मिथ ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर स्मिथ। नेक्स्ट रही फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड डैश तो फिजिकल ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को कौन कहुए से पचार रेडिनेस कहुए प्रस्तुतिकरण ना मैच्युरेशन परिपक्वता ना मोबिलिटी ना हेरिडिटी वंशानुगुण ना मोबिलिटी तो कौटा कहुए फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड मैच्युरेशन परिपक्वता कहुए ओडिया परिपक्वता कहुए ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर मैच्युरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप माने कौन निजर क्लासमेट सांगसाथी सहपाठी माने निजर क्लासमेट पिला तो पीर ग्रुप रे पिला माने को स्टेज रे एक्टिव रुहंती माने को स्टेज रे पीर ग्रुप रे मिलामिशा करके से माने बोलंती करंती जे कोन चीज करंती तो कौ स्टेज रे ना एडोलेसेंस स्टेज एडोलेसेंस माने कैशर अवस्था रे पिला माने पीर ग्रुप रे सांगसाथी ग्रुप हो कि दस पंद्रह गोटे ग्रुप हो तांकर मन में जहाँ आज गणेश पूजा करवा गोटे ग्रुप है से करते यहाँ गोटे कैशर अवस्था से गोटे पीर ग्रुप से मिसिकी जेको जिनसे करुँचन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही थ्रो व्हिच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट यहाँ आमर जो आरटीज रही रही तो से कहे आमर जो रही एजुकेशन को संविधान रे आमर मौलिक अधिकार रूपे फंडामेंटल राइट्स रूपे आमर को अमेंडमेंट एक्ट अंडर नि पचार तो कौ अमेंडमेंट एक्ट ना 86th अमेंडमेंट एक्ट अंडर ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर 86th। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज से कहे जे आमर राइट माने आमर जो अधिकार रही मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा आमर 6 to 14 वर्ष पाई 6 to 14 वर्ष पाँच मागणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा अधिकार आम रही आम भारतीय संविधान में इनक्लूड हो आर्टिकल अनुजाई से पचार आर्टिकल को आर्टिकल अनुजाई ना आर्टिकल नंबर 21 आर्टिकल 21A ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग इज अथॉरिटेरियन लेवल ऑफ टीचिंग टा को टाइप रे से पचार टीचर सेंटर ना चाइल्ड सेंटर ना हेडमास्टर सेंटर ना एक्सपीरियंस बेस्ड तो अथॉरिटेरियन आउ ऑटोक्रेटिक ए दुटा ऑटोक्रेटिक एगुड़ाक एक छत्रवादी माने एठी से माने निजो को निजे डन भावु निजो को निजे माने से ही सबकि भावुं एठी पिला मानकर किछि चालेनी एठी टीचर ही सबकि सी ही मुंडी तो एठी हमर कोन होना एटा होची टीचर सेंटर्ड अप्रोच अथॉरिटेरियन बा ऑटोक्रेटिक लेवल टीचिंग डा होची टीचर सेंटर्ड टीचर ही सबकि करिवे से ही मुख्य से ही एक्टिव रहो पिला मान सब पैसिव रहिबे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर टीचर सेंटर्ड अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड बाय ए और एन से कहे लर्निंग डिसेबिलिटी आम मैथमेटिक्स जदि तार किसी प्रोब्लम रोचे तो सेटा को आम आसेस करवा केमती आसेस करवा केमती जाना तार मैथ्रे तार भल हो केमती जाना से पचार आप्टिट्यूड टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ना स्क्रीनिंग टेस्ट ना अचीवमेंट टेस्ट
तो कमी जाना ना डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा आम जाना गोटे पिलार मैथ्रे तार अक्षमता रही मैथ्रे तार प्रोब्लम हो असुविधा होम जानवे कमी डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण द्वारा ही आम जापर तापर ताको आम रेमेडियाल टीचिंग देकी तार रेमेडियाल टीचिंग द्वारा तार जो गैप रही जोटा कमी रही प्रोब्लम होटा को आम दूर कर तो ऑप्शन बी होची डायग्नोस्टिक टेस्ट बा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग रो कैरेक्टर कौन लक्षण कौन से पचारी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑब्जेक्टिव परमानेंस इंट्यूटिव थॉट ना कंजर्वेशन। तो देखु फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग टा आमर लक्षण कौन से पचारी लक्षण होची तार आफ्ट्राक्ट थिंकिंग आउ रिजनिंग रिजनिंग आफ्टर थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग ए तीन टा जाक वार्ड शुणिल मैंने युवाक फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे आमर जाऊँगी। तो ऑप्शन नंबर ए हे करेक्ट आंसर आफ्ट्राक्ट थिंकिंग आ ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ तो सेंसरी मोटर पीरियड आसूँ आप जानते मुझे पूर्व कहली तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर आफ्ट्राक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच लेस एम्फासिस ऑन से कौच शिक्षार्थी केंद्रिक जो आम अप्रोच रही क्या उपर गुरुत्व दौर लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय लिसनिंग लर्निंग बाय रोट मेमोराइजेशन लर्निंग बाय डेमोनस्ट्रेसन। तो से लर्निंग सेंटर्ड आम जो कही लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच आम कौन हो कौन कर लर्निंग बाय डूइंग करी शिखुंट या पर अधिक फोकस करें शिखिपर तो लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग से पचारी तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर आम लिसनिंग द्वारा नुह रोट मेमोराइजेशन तो नेगेटिव थिंकिंग डेमोनस्ट्रेसन भी नेगेटिव अटे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अप्रोच ऑफ लर्निंग इज ट्रेडिशनल से कौची कौटा गोटे ट्रेडिशनल अप्रोच अटे मैंने गोटे कौटा गोटे पुराणा कालिया अप्रोच अटे टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक लर्निंग सेंट्रिक ना नन ऑफ दिस। तो पुराणा कालिया ढांचा कौटा आम पुराणा कालिया ढांचा होची टीचर सेंट्रिक शिक्षक केंद्रिक बहुत पुराणा काल चली वर्तमान लर्नर सेंट्रिक सेंट्रिक आसी शिक्षार्थी केंद्रिक शिक्षार्थी मैंने कौ भाया चाहूँ डिमांड इच्छा अनुजाई आम शिक्षा आवश्यकता अनुजाई शिक्षा देवाक पड़े। तो वर्तमान लर्नर सेंट्रिक चली मॉडर्न रे ये तो ट्रेडिशनल मैंने बहुत पुराणा कालर हूँ टीचर सेंट्रिक ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट इज कॉल्ड से कहे आम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हूँ चाइल्ड टू एडल्ट सेटा कौन कह जाए मैंने आम गोटे छोट छुआ थी आम गोटे एडल्ट कैसर अवस्था से आम कौन आम शरीर परिवर्तन घटू शरीर आम फिजिकल आम परिवर्तन घटू से कौन कहुए ना से कहुए आम पुबर्टी बोली कहुए पुबर्टी पुबर्टी बोली कहुए ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर पुबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज कॉल्ड सेंसरी मोटर पीरियड एज पर जिन पियाजेट पियाजेट अनुजाई पियाजेट अनुजाई सेंसरी मोटर जो पीरियड रही तार टाइमटा केत से पचारी तो सेंसरी मोटर पीरियड मुझे अलरेडी कही सारी यहाँ हूँ आमर बर्थ टू 18 मंथ बा जीरो टू टू इयर्स आसो जीरो टू टू इयर्स 18 मंथ दे भितर ही आसूसी जीरो रु दुई वर्ष भितर ही आसूसी तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर जब जीरो टू टू इयर्स देखिए टू इयर्स मारे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप दुई रु सात सीटा आम कौन ना प्री ऑपरेशनल स्टेज आउ सात रु एगार कौन हो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आप बार वर्ष आउ बार वर्ष रु सेपटे बार वर्ष रु सेपटे से कौन ना से हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो से पचार फास्ट सेंसरी पचार ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर बर्थ टू 18 मंथ जन्म रु 18 मास पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाय ह्वाट टाइप मोटिवेशन इज स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल मुझे इंडिविजुअल मैंने जड़े जनकर इंडिविजुअल स्टेटस कथा कही तो सीटा कौ टाइप मोटिवेशन रे सीटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेज ऑफ से कहे आम जो डेवलपमेंट बा विकास स्टार्ट हो कौ स्टेज स्टार्ट हो प्री नेटल पोस्ट नेटल इन्फेंसी ना इयरली चाइल्डहुड।
तो देखु आमर डेवलपमेंट स्टार्ट होमर जो गोटे छुआ हो तो जिते माँ पेटर भ्रूण अवस्था रही से स्टार्ट हो रहा मस दी हप्ता तीन हप्ता चार हप्ता मसे दुई मस तीन मस चार पांच नौमास नौमास दस मस छुआटा मातृगर्भ बाहर तो प्री नेटाल स्टेज मैंने भ्रूण अवस्था ही गोटे पिलार विकास डेवलपमेंट आस्ते आस्ते हो तार स्टार्टिंग हो तार गोड़ हाथ एम सब गुड़ाक आम स्टार्ट आम डेवलप हो तो भ्रूण अवस्था बा प्री नेटाल स्टेज ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोजर्स रेफर टू तो कार्ल रोजर्स आम एक्सपेरिमेंटल कार्ल रोजर्स आप जानते जन ये हूँ ह्यूमानिस्टिक आप्रोच जनक से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंड करते प्रस्तावित करते तो सेटा कौन रेफर करछु को टाइप रो टीचिंग सेंटर को रेफर करछु से पचार कंटेंट सेंटर ना टीचर सेंटर ना लर्नर सेंटर ना प्रोग्राम सेंटर से पचार तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंड करते कार्ल रोजर्स से रेफर करछु का ना लर्नर सेंटर बा शिक्षार्थी केन्द्र को रेफर करछु ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर शिक्षार्थी केन्द्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ड करिकुलम इज डेरिवाइड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करेरे व्हिच मीन्स से कहे आमर जो करिकुलम शब्दा वर्डटा आमर लैटिन भाषार करेरे वर्ड रु आसी तो करेरे माने कौन से पचार करेरे अर्थ कौन करेरे अर्थ कौन से पचार करेरे मीन्स टू रन ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर टू रन बा टू रेस आर एस सी रेस ऑप्शन नंबर डी हम आम सठिक आंसर एग्जाम में भी पचार पारे आपन को करिकुलम वर्डटा कौ भाषार आसी करिकुलम वर्ड आम कौ भाषार आमती भी आसपार तो लैटिन भाषार आसी लैटिन भाषा कौ वर्ड रु आचार तो करेरे वर्ड रु आसी करेरे वर्ड मीनिंग कौन पचार तो करेरे वर्ड मीनिंग हूँ टू रन तो ये गोटे क्वेश्चन आम तीन टाइम क्वेश्चन कभर हो जाए ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो टोटल तीसटा क्वेश्चन अलरेडी आम होगा तो आम यही तीसटा क्वेश्चन डिस्कसन कले आप तीस रे मार्क रखुंत कमेंट बक्स में निहत भाव जनइबे आदि भिड भल लगुच गोटे लाइक करेंगे सहित अधिक रु अधिक मात्र कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव सेयार करेंगे आो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहत सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपने समस्त भिडियो नोटिफिकेशन पारे तो फ्रेंड्स नेक्स्ट भिडियो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जानवे नेक्स्ट भिडियो आम 40 क्वेश्चन लेकिन आसा 40 क्वेश्चन लेकिन आसा कहीं आपने केवल ओनली 2 मंथ रही 2 मंथ आपको सब गुड़ाक कवर करा पड़ो आप कमन पेपर आप कंप्यूटर आसूरी जेके आसूरी आमर रिजनिंग आसूरी पेड़ा पेड़ागोजी सीडीपी आसूरी तो युवा कवर करने सहित आपर कंटेंट फोकस करा पड़ो तो आम फटाफट आम अधिक रु अधिक क्वेश्चन आम कवर करके आम पूरा कंप्लीट करवा तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।